आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मौज में होंगे। सो गाइस, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस, इस नवरात्रि पर माता रानी आप सभी के ड्रीम को पूरा करें। और गाइस, इस ब्लॉग में आपको हम खुजावाली माता जी के दर्शन कराएंगे, तो आप ब्लॉग को पूरा देखना एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो खुजावाली मैया की जय। ये देख लो आप, एक बार श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो भाई आप माता रानी के दर्शन कर लीजिएगा। जय माता दी। वाह भाई, फुल एंजॉय चल रहा है एकदम। मजा आ गया एकदम, नेक्स्ट लेवल। भाई इन्होंने सीन उल्टा कर रखा है, पहले उधर से आते थे डायरेक्ट, अब वैसे उधर से आके ऐसे हुआ था। नवरात्रि की वजह से थोड़ा भीड़ भाई बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब भाई हमको इन लाइनों में लग के जाना पड़ेगा। ये देख रहे हो आप श्रद्धालुओं की भीड़। भाई साहब सारे एकदम नेक्स्ट लेवल, पूरे एंजॉय कर रहे हैं। बस थोड़ा बारिश की वजह से मौसम खराब हो गया, वरना मामला एकदम सेट है। जय माता दी। भाई यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये देखना लाइनों में घूम के, ये लाइन फिर इसके बाद ये लाइन, ऐसे तीन चार लाइन है, परेशानी हो जाना है हमको तो। भाई लाइनों में चल चल के ना मैं परेशान हो गया यार, पांच छह लाइन चली। तो भाई साहब माता जी के दर्शन कर लिए, जय माता दी। देखो प्रसाद मिल गया थोड़ा बहुत, पहले प्रसाद पा। हर हर महादेव, जय हो बजरंगबली, जय श्री राम। बाबा राम राम। ये देखना गाइस, आज बारिश की वजह से भाई पूरा पोपट ही हो गया। अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ पर मेला लगता बहुत ही बढ़िया एकदम, और मैं उसी की वजह से आया था। मैंने कहा माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे, मेला भी देख लो और एक बार मंदिर भी देख लो आप, दोनों चीज़ हो जाती है। ये देखना पूरे में पानी ही पानी भाई, ये तो बहुत गलत हुआ। ये तो देखो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम तो मेरे कपड़े देखोगे ना, मेरे तो पूरे ही भीग चुके हैं। मैं और मित्र भैया आ रहे थे एक बाइक पर, ये तो रुक रुक के आए हैं, जहाँ बारिश नहीं थी ऐसे रुक गए थे, लेकिन अपन नहीं रुका, अपन चलते हुए आ रहे हैं। देख रहा हूँ पूरा, अगर आप देख लो यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की वजह से काम बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं तो वैसे ही चप्पल ही पहन के आया, देख रहा हूँ लोवर अपर डाल रखी है ये चीज़ पहन के। भाई यहाँ पे हमने अपनी चप्पल रखी थी, चप्पल ले लेते हैं। गाइस हम उस टाइम पे आए हैं, पता बारिश पड़ रही थी, बहुत तेज पड़ रही थी, जैसे कि होता ना बिजली ने करंट मार दिया। अब आपको पता होगा अगर आप बाइक चला रहे हो और ऊपर से बारिश आ रही हो तो सेम वही चीज़ भाई, सब करंट मार रही थी। लेकिन हाँ, हमारे मन में थोड़ी थोड़ी श्रद्धा थी, थोड़ी थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, थोड़ी थोड़ी थी। मैं तो भाई बहुत दिनों से सोच रहा था कि मेरे को आना है, लेकिन इसे पहले आ रहा था मैं संडे में थोड़ी मम्मी की तबीयत डाउन हो गई, तो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। तो भाई यहाँ सारे भाइयों ने प्लान बनाया, तो हम यहाँ आ चुके हैं। फिलहाल हमने दर्शन कर लिए, दर्शन करके चलेंगे घर। गाइस इस आदमी को देखो, ये आदमी बहुत ही टेंशन में है, इसकी ये किस दुविधा से गूंज रहा है ये मैं ही बता सकता हूँ।
इसकी फीलिंग्स मैं ही समझ सकता हूँ। बाकी गाइस अभी हम खा रहे हैं छोले, क्योंकि अभी खा के चल रहे हैं, फिर घर पे जाएंगे तो मम्मी परेशान होंगी, इसलिए यहीं पे खा लो, उनको परेशान नहीं करते। और भाई इन्होंने लगवा लिया अपना। तो गाइस फिलहाल निकल रहे हैं हम घर के लिए, एक बाइक घे रही हमारी और दो बाइक वो चल रही आगे। अब देख रहे हो आपको यहाँ पर बारिश बहुत ही भयंकर वाली पड़ी है, इधर साइड तो बहुत ही ज़्यादा पड़ी है खुर्जा, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में नहीं पड़ी होगी। ये देखो ये दोनों गाड़ी चल रही है हमारी, हायाबुसा दोनों। बोलो चैवेट सिंह भैया की बड़ा हरामी हो बेटा। ये वाला कट है भाई, एक बार हम पहले आए थे इस कट का पता नहीं चला, हम आगे जाके निकल गए, आगे जाके बहुत। ये गाड़ी अभी भी हमारा साहब, इससे बेस्ट नहीं हो सकती। फोटो खींचे हैं तुम्हारा, दिखाओ। ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड। अगर आपने यहां तक देख लिया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी भाई हमारे नए होंगे प्लीज अपने दोस्तों में, अपने सिस्टर भाइयों से सब्सक्राइब करा लेना। तब तक के लिए बाय।